हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माय न्यू क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। आज हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न है उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके साथ ही जो टर्मिनोलॉजी है इससे रिगार्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी बात करेंगे। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का जो हमारा टॉपिक है, जो क्लास है फर्स्ट क्लास, उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्सिव स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह एक जटिल धीमी और सतत जो है प्रक्रिया होती है। कैसे हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो तैयारी है वो ह्यूमन बीइंग में गर्ल्स में जो है जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तब से शुरू हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है बहुत पहले से ही इसकी तैयारियां पूरी कर ली जाती है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद भी जब तक एम्ब्रियो प्योरली डेवलप नहीं हो जाए तब तक जो है ये प्रोसेस पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसके बाद और अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि दो अपोजिट सेक्स के जो विपरीत लिंग के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, वे आपस में जो है फर्टिलाइजेशन करने के लिए आते हैं, और उनके जो हैप्लोइड गैमेट है वो आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और बाद में वो जाइगोट जो है एम्ब्रियोजिनेसिस के थ्रू नए एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका पैटर्न जो है सारे ऑर्गेनिज्मों में सेम टाइप का ही रहेगा, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। इसके अलावा और हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म तब करेगा जब वह एक पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज को गेन कर लेगा, और वो ग्रोथ स्टेज कहलाती है मैच्योरेशन फेज। प्लांट्स में ये फेज जो है उसे हम वेजिटेटिव फेज कहेंगे, जिसमें वेजिटेटिव फेज में आकर जो है प्लांट इसके बाद इस वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करके प्लांट जो है आगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। वही जो है ह्यूमन बीइंग में इसको टीनेज बोलते हैं, हम भी देखते हैं किशोरावस्था बोलते हैं जिसको, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही जो है हम मैच्योरेशन को गेन करते हैं। वही हम बात करें सेल डिवीजन की, तो यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस जो है दोनों ही टाइप के सेल डिवीजन भी हमें देखने को मिलेंगे जब गैमेट फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। प्लांट्स जो है वो अलग अलग टाइम पे जो है फ्लावरिंग कर रहे हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं, और जो है रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। वही एनिमल्स में भी एक पर्टिकुलरली जो है स्पीसीज वाइज अलग अलग सीजनल जो है पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो पहले हम प्लांट की बात यहाँ पे कर लेते हैं। प्लांट को हम जो है थ्री कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एनुअल, बाय एनुअल और पेरिनियल प्लांट। एनुअल प्लांट वो जिनका लाइफ स्पैन सिंगल सीजन होता है, बाय एनुअल का टू सीजन होता है, और पेरिनियल का मोर देन टू सीजन होता है। एग्जांपल के फॉर्म में एनुअल में आ जाएगा आपका वीट, राइस, मेस, गेहूं, चावल और मक्का, बाय एनुअल में रेडिश, पेरिनियल में मैंगो एंड बनाना। अब जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बेस पे इन तीनों ही प्लांट की कैटेगरी को हम दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट वो होंगे जो सिंगल सीजन में ही, एक सीजन में ही जो है, सिंगल सीजन में ही जो है क्या करेंगे, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे। जबकि पॉलीकार्पिक प्लांट वो प्लांट होंगे जो मोर देन वन और टू सीजन जो है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे। बायनियल प्लांट में क्या होता है कि ये मोनोकार्पिक होंगे क्योंकि इनके सीजन तो दो होते हैं, लेकिन एक हर सीजन में जो है सिंगल सिंगल सीजन में जो है पर्टिकुलर उन सीजन में ही जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। आप यहाँ पे दो स्पेशल आपको प्लांट स्पीसीज याद रखनी है, एक है बंबू बांस, क्योंकि वो जो है पूरे के पूरे अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। वही हम बात करें स्ट्रोबलेंथियस कुंथियाना की, नीला कुरंजी नाम याद आ रहा होगा आपको, आजकल इंटरनेट पे बहुत अच्छा सा एक, अगर आपको एक सीनरी देखनी है तो वहां पर हमें नेचुरल सीनरी के रूप में नीला कुरंजी के फ्लावर से ढकी हुई तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला की जो पहाड़ियां है वो दिखाई देती है। ये सिर्फ 12 साल में एक बार ही जो है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो है फ्लावरिंग करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट पढ़ने से पहले हम उससे रिगार्डिंग कुछ जो है टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। वैसे एक कम जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो उससे तो आप भलीभांति परिचित हैं, जिसके एंजियोस्पर्म के सबसे ज्यादा फ्लावर इसी के होते हैं।
आपको पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में होते हैं। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट का मतलब उभयलिंगी पादप या उभयलिंगाशयी पादप, वह पादप जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर जो है एक ही प्लांट में मिलता है। हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नारियल और कुकुरबिटेसी ककड़ी कुल। वही बात करें हम डायोसियस प्लांट की, तो डायोसियस प्लांट में क्या होता है द्विलिंगाशयी पादप होते हैं। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं, ये यूनिसेक्सुअली कहलाते हैं। जो डायोसियस प्लांट है उनको हम हेट्रोथेलिक प्लांट भी बोलते हैं और जो मोनोसियस प्लांट है उनको हम होमोथेलिक प्लांट भी बोलते हैं। होमोथेलिक का मतलब समथेलस पादप, मतलब कि ऐसे पादप जिनका थेलस दोनों ही जो सेक्स होंगे उनमें सेम टाइप का होगा, जबकि हेट्रोथेलिक प्लांट विषमथेलसी पादप कहलाएंगे। वही अगर हम गेमिट्स के बेस पे बात करें दो टाइप के गेमिट्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट है आइसोगेमस कंडीशन में और सेकंड है हेट्रोगेमस कंडीशन में। आइसोगेमस कंडीशन का मतलब सम युग्मजी के एग्जांपल हमारे पास में मिल जाएंगे आपको स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और फंगस में राइजोपस। वही हेट्रोगेमस विषम युग्मजी कंडीशन में आपके पास ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं वो होते हैं, जहां पर हम लोग जो है ये देखते हैं कि मेल और फीमेल जो गेमिट होते हैं वो सेम स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स के बाद हम सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें दो टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है, यूनिसेक्सुअल एकलिंगी जंतु और बाइसेक्सुअल द्विलिंगी जंतु। एकलिंगी जंतु वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग टाइप के सेक्स ऑर्गन को शो करता है। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा जबकि फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा, मतलब कि दोनों ही ऑर्गन जो है वो सेपरेट सेपरेट बॉडी में मिलते हैं। वही बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, जिसके एग्जांपल हमारे पास में है अर्थवर्म, स्पॉन्ज और टेफलॉन, जबकि मैक्सिमम एनिमल्स जो है वो यूनिसेक्सुअलिटी को शो करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि अर्थवर्म में कौन से सेगमेंट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टेजेस की, मेनली लाइफ स्टेजेस होती है जीवन की, कुछ प्रवस्थाएं होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में हमें देखने को मिलती है, उनकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट होती है। ये पार्ट और ये स्टेज जो बनी है ये उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो कब आती है और इसके अंदर इन तीनों स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट है जुवेनाइल स्टेज। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है ग्रोथ के थ्रू और मेच्यूरेशन अपने अंदर लाता है। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है तभी जो है आगे जाकर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो है एंटर करता है। फिर बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव स्टेज की। इसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो वो क्या करेगा रिप्रोडक्शन करेगा और वो जो है बर्थ के थ्रू जो है इन्फेंट पैदा करेगा और वो इन्फेंट जो है सिमिलर होंगे एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली। फिर हम बात करते हैं सिनेसेंस या एजिंग या पोस्ट रिप्रोडक्शन स्टेज की। एक्चुअली में इस स्टेज तक आते आते क्या होता है कि सेल डिवीजन लगभग होना धीरे धीरे जो है सेल डिवीजन में रुकावट आ जाती है, बंद होना शुरू हो जाता है और जो सेल डिवीजन के अंदर जो है टॉक्सिक एलिमेंट बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रूप से जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है या हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर डेटेरिवेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है अब वो इतना रिप्रोडक्टिवली जो है फंक्शनल नहीं रहता है। ये हम कह सकते हैं कि एजिंग या पोस्ट रिप्रोडक्शन वो स्टेज जो लीड करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेथ के लिए। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, हमने जो है तीनों टाइप के प्लांट पढ़े तो एन्युअल प्लांट और बाईएनुअल प्लांट जो है उन
उन दोनों में तो ये तीनों स्टेज दिखती है, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, पेरिएनियल प्लांट जो होते हैं, पेरिएनियल प्लांट में ये वाली स्टेज एब्सेंट हो जाएगी और इसकी जगह आ जाएगी रिकवरी स्टेज। आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसके बॉडी में एक तो ऑटोमेटिकली हार्मोनिटिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनिटिकल इंट्रेक्शन होता है, हार्मोन्स बनने लग जाते हैं तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इन्वायरमेंटली भी वो जो है उसके साथ में होमोस्टेसिस कंडीशन बनाने लग जाती है उसकी बॉडी। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल चेंजेस और हार्मोनिटिकल चेंजेस होने की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले जुवेनाइल स्टेज, आफ्टर डेट रिप्रोडक्टिव स्टेज और उसके बाद जो है वो एजिंग के अंदर जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एनिमल्स में भी ये तीनों स्टेज देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं जिसको हम देख लेते हैं। जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है कि एनिमल्स सारे के सारे एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है धीरे धीरे से वही ग्रोथ को गेन करेंगे और यहाँ पे उनके गोनेट्स जो है वो धीरे धीरे बहुत स्लोली स्लोली जो है उनके अंदर गोनेट्स में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब गोनेट्स डेवलप होंगे तो मेल और फीमेल दोनों में ही जो है गेमिट फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगा। वही जो है जुवेनाइल स्टेज से जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जा रहा होगा तब अचानक से हार्मोनिटिकल चेंजेस आएंगे और जो है वहां पर वो चेंजेस जो है हमें अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो गर्ल्स में एकदम से जल्दी से देखने को मिलते हैं और तो वो जो है मैच्यूरेशन जल्दी गेन कर लेती है। वही हमारे अंदर जो मेल्स है वो उससे थोड़ा सा डिले मैच्यूरेशन गेन करते हैं 1 to 2 years। और यहाँ पर हम हमारे गर्ल्स के अंदर ह्यूमन बींग की गर्ल्स में एक स्पेशल बात देखते हैं, उनके अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है फर्स्ट टाइम पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम पे आती है उसको हम बोलेंगे मेनार्के। मेनार्के इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एनी गर्ल ऑफ ह्यूमन बींग जो है यहाँ पे मेनार्के की शुरुआत भी हो जाएगी। और ये जो स्टेज होगी ये स्टेज जो कहलाएगी वो कहलाएगी टीनेज जो है ये स्पेशली ह्यूमन बींग के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद में रिप्रोडक्टिव स्टेज में हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली जो है अपर हमारे जो प्राइमेट्स है जिसमें एप्स मंकीज और ह्यूमन बींग है उनमें ये पर्टिकुलर मेस्ट्रुअल साइकिल जो है चलने शुरू हो जाएगी। काऊ डॉग्स इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स है फॉक्स और ये सब है इनके अंदर जो है ऑस्ट्रस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये मेस्ट्रुअल साइकिल जो है ये रेगुलर ब्रीडर कहलाते हैं ये वाले एनिमल, क्योंकि यहां पर जो है ये पर मंथ आती है, ये मंथली होगी। जबकि ऑस्ट्रस साइकिल की अगर बात करें तो यह सीजनल आएगी, एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है इन एनिमल्स में जो है हार्मोन सिक्रेशन होता है और ये साइकिल चलती है जिसकी वजह से बाद में यहाँ पे कॉपुलेशन होगा। तो इस तरीके से हम इन साइकिल के बेस पर जो है एनिमल्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर ब्रीडर मेस्ट्रुअल साइकिल वाले और इरेगुलर ब्रीडर जो है वो ऑस्ट्रस साइकिल वाले। इसके अलावा जो लोअर कॉर्डेट्स और जो इनवर्टिब्रेट्स है उनके भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि जो अंडे देंगे उनको ओविपेरस बोलेंगे, जो सीधे जो है लिविंग को बर्थ देंगे उनको हम वाइविपेरस एनिमल्स बोलेंगे। इसके बाद में एजिंग या पोस्ट रिप्रोडक्शन पीरियड आता है, ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होगा। यहाँ पर मेस्ट्रुअल और ऑस्ट्रस साइकिल्स जो है वह लगभग बंद हो जाएगी और जो है ओव्यूलेशन होगा नहीं और कॉपुलेशन भी उससे नहीं होगा। यहाँ पर जो ह्यूमन बींग की जो फीमेल है उसमें मेस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उस वाली फेस को बोलेंगे हम या उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे हम मेनोपॉज। मैं आपको ऑस्ट्रस और मेस्ट्रुअल साइकिल में जो डिफरेंस है उसको सेपरेटली बताऊंगा जब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग पढ़ेंगे।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन मैकेनिज्म पे अब हम आ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट की अब हम बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के बेस पर जो है हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली कुछ इवेंट और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे और फर्टिलाइजेशन के बाद के कुछ इवेंट। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे वो इवेंट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएगा। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस जो है होंगे, यहाँ पर पहले हम प्लांट की बात कर लेते हैं। तो प्लांट में पूर्व निषेचन संबंधी घटनाओं की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले गेमिट फॉर्मेशन होगा, मतलब कि युग्मकों का निर्माण होगा जो दो तरीके से होता है, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। आपको एक मैं बात बता दूं, माइटोसिस जो करेगी वो एल्गी और प्रायोफाइटा करेंगे, जबकि मियोसिस टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म करेंगे। इसके बाद में जब गेमिट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो गेमिट का ट्रांसफर होगा, मेनली गेमिट का ट्रांसफर जो है प्लांट में जो शुरुआत के तीनों ग्रुप है एल्गी प्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा उसमें पानी के थ्रू होता है, वही एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होती है वो गेमिट का ट्रांसफर करती है और उसके लिए वो जहाँ ओवरी तक पहुंचने के लिए जो है पोलन ट्यूब का हेल्प लेती है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया की। तो निषेचन की क्रिया जो दो टाइप से होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक। एक्सटर्नल मतलब कि बॉडी के प्लांट बॉडी के बाहर जो कि मेनली एल्गी में होगा, वाटर में, जितना भी आपका एल्गी ग्रुप है वो पूरा वाटर के अंदर करेगा। इंटरनल स्पाइरोगाइरा ट्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में होगा और इसके लिए जो है आर्चिगोनिया स्त्री दानी पाई जाती है। वही एंजियोस्पर्म में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और वो एंडोस्पर्म जो है उसको बोलते हैं भ्रूण पोष, उसके अंदर ये क्रिया संपादित होगी और इसके अंदर जो है त्रिसंलयन की क्रिया होगी, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो जाइगोट बनेगा, एक 2N सेल बनेगी और अब ये 2N सेल जो है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन करवाएगी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके बाद में जो है एम्ब्रियो बन जाएगा प्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में, जबकि सीड का फॉर्मेशन होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। वही बात ध्यान देने वाली यह है कि फ्रूट फॉर्मेशन ओनली और ओनली आपको एंजियोस्पर्म में मिलेगा। मैंने यहाँ पे इसके थोड़े से एब्रीवेट फॉर्म लिखे हैं। अब हम आगे यही इवेंट जो है वो एनिमल्स के लिए पढ़ेंगे। चलिए अब हम प्लांट्स के बाद एनिमल्स में भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट की बात कर लेते हैं। वही तीनों इवेंट रहेंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। तो हम स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स इन एनिमल्स। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, पूर्व निषेचन की क्रिया। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण होता है, ओवम और स्पर्म बनते हैं, ओवम फीमेल गैमेट और स्पर्म मेल गैमेट। स्पर्म और ओवम अलग अलग टाइप के जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स की उसके हिसाब से अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग बनेंगे, जिसको हम जो है एम्ब्रियोलॉजी का जो अलग से अभी थोड़े टाइम बाद हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो ओवम जो है ओजेनेसिस के थ्रू और स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनते हैं। ओजेनेसिस अंडजनन और स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्रजनन की क्रिया के थ्रू ये बनेंगे। फिर एक गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर युग्मकों का स्थानांतरण। यहां पर ध्यान रखिएगा फिशीज और एम्फीबिया में जो है वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि इनके जो एग्स होते हैं उनको मॉइस्चर चाहिए होगा, तो इसके लिए मीडियम जो है वो वाटर चाहिए, पानी की जरूरत यहाँ पे इनको रहेगी। बाकी में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू जो है ट्रांसफर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कर दिए जाते हैं कॉपुलेशन के टाइम पे। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये दो तरीके से होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल वही शरीर के बाहर, यहाँ पर एम्फीबिया और फिशीज में जो है बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजेशन के टाइम पर कॉपुलेशन के टाइम पर जो है एक बिहेवियर शो किया जाता है और यहाँ पर पेरेंटल केयर भी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है मेल आकर जो है फीमेल जो पहले से एग लेइंग करके जाती है उसके ऊपर स्पर्म छोड़ के पानी में चला जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में फेलोपियन ट्यूब में किया जाता है और बाकी जो एनिमल्स है उनमें भी फीमेल ऑर्गेनिज्म में
किया जाता है। फिर बात करते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, पश्च निषेचन की। यहाँ पे सबसे पहले जो है जाइगोट बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है जो कि एक 2n सेल होती है। अब यह जाइगोट या युग्मनज जो है किसमें डेवलप होता है, क्या वह जो है एक में डेवलप होगा तो वो ओविपेरस जो है एनिमल्स कहलाएंगे, या डायरेक्ट लिविंग एनिमल को बर्थ दिया जाएगा, यहाँ पर जो है जन्म जो है लिविंग एनिमल को दिया जाएगा तो वो वाइविपेरस एनिमल कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि जाइगोट से जो है लिविंग एनिमल बनता है, उसके बीच में एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, उसके बाद में मोरुलेशन होता है, विदलन की क्रिया होती है, फिर ब्लास्टुला भवन ब्लास्टुलेशन होता है और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। उसकी बॉडी जो है थ्री जर्म लेयर में डिवाइड होती है, जनन स्तर बनते हैं, फिर उससे पूरी की पूरी एक एम्ब्रियो बनता है और फिर उससे जो है पूरा पूरा हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। वही हम अगर वाइविपेरस एनिमल में प्लेसेंटल एनिमल्स की बात करें तो प्लेसेंटा वाले एनिमल्स जो होते हैं उसमें प्लेसेंटा का डेवलपमेंट जो है वाइविपेरस एनिमल में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो के तीनों जो जर्म लेयर है उससे और मदर के वूम के जो तीनों जर्म लेयर है उसके आपस में जुड़ने से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग जो है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में आगे डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ेंगे।